वहीं खटीमा में एसएसपी उधम सिंह नगर ने आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए चौपाल का आयोजन किया। पुलिस की चौपाल में आए फरियादियों की ज्यादातर समस्याओं का एसएसपी ने मौके पर निस्तारण किया, साथ ही कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पुलिस की तरफ से आयोजित चौपाल में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी समेत तहसील स्तर के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर एसएसपी उधम सिंह नगर ने कहा, पुलिस की तरफ से आयोजित चौपाल में कुल 45 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिनमें से 9 समस्याएं पुलिस विभाग से संबंधित थी, जिनका मौके पर निवारण कर दिया गया है। एसएसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। चौपाल का आयोजन किया गया था लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। ये संवाद का कार्यक्रम और ये चौपाल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है और इसका उद्देश्य है कि सरकार आपके द्वारा यानी कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना जो पुलिस डिपार्टमेंट से है और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट से भी है, तो सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छी चौपाल हो रही है। इससे लोग जो है जिन समस्याओं को लेकर जिनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है या ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है उनके लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आज कुल मिलाकर के 45 शिकायतों जो लोगों ने किया था, जिसमें से लगभग लगभग जो है 9 केस जो है पुलिस विभाग से संबंधित थी, बाकी जो 30 केस हैं वो अन्य विभाग मैक्सिमम जो है आपके हरेली विभाग से संबंधित है। इन सारे केसों को वैसे इसमें लगभग लगभग हमें 20% के संबंध में निपटारा यहीं पर मौके पर हो गया है, जिनको लिखा पढ़ी करके संबंधित विभाग को हम दे रहे हैं। ये डीजीपी साहब के जो उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम रखा उसका भी मैंने हल्का सा इसकी तरफ व्यापक बनाने का प्रयास किया है। जानकारी के साथ संवाददाता एचएन अग्रवाल जुड़ गए हैं खटीमा से फोन लाइन पर। एचएन अग्रवाल, जिस तरीके से चौपाल का आयोजन किया गया था, एसएसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना, इस दौरान लगभग कितनी शिकायतें लोगों की तरफ से की गई और कितनी शिकायतों का निवारण तुरंत किया गया और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उन शिकायतों के लिए जिनका निवारण नहीं हो पाया है? जी, आपको बता दूं कि ये पुलिस के द्वारा एक नई पहल की गई है जी, क्योंकि सरकार के द्वारा तो चल ही रहा था कि जनता आपके द्वार सरकार आपके द्वार जाएगी और जगह जगह चौपाल लगा के इस तरह करेगी, तो पुलिस ने भी उसके तरह एक कार्यक्रम आयोजन किया गया और ये जिले का पहला प्रोग्राम था, तो जो जिसको पुलिस पूरा पूर्ण रूप से सफल मान रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी थी और उनमें से अधिकांश समस्याओं को तुरंत ही निराकरण कर दिया गया है। जैसे कि मारपीट की समस्या भी आई थी कई जगह और ये विकलांग सर्टिफिकेटों की समस्या आई थी, क्योंकि वहाँ पे सभी तरह के शिविर लगाए गए थे, डॉक्टर्स भी उपस्थित थे, बिजली विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, तो उनसे कई जो समस्याएं थी, छोटी छोटी समस्याएं थी, वो तुरंत ही उनका निराकरण कर दिया गया, जिससे कि पब्लिक खुश थी और पब्लिक का कहना था कि इसी तरह के शिविर लगातार क्षेत्र में लगते रहने चाहिए। जी, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, लगभग कितने लोगों ने एक जैसी समस्याएं रखी, जो सबसे ज्यादा वहां के लोगों को परेशान कर रही है वो समस्याएं? जी, सबसे ज्यादा समस्या है राशन कार्ड की समस्या है, कि वहाँ के जो 17 मिल पे कैंप लगा था वहाँ के प्रधान ने भी राशन कार्ड की समस्या को उठाया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में राशन कार्डों की सबसे समस्या है और राशन कार्ड बन ही रहे हैं, तो इसपे जो सप्लाई इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि जल्दी ही राशन कार्ड बनने लग जाएंगे, क्योंकि राशन कार्ड का प्रारूप चेंज हो गया है और जल्दी ही राशन कार्ड आ जाएंगे और जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं उन्हें यथाशीघ्र राशन कार्ड मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय अग्रवाल।